अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में 6 दिसंबर 1992 का दिन भी स्मृति में कौंधता है, जब अयोध्या में ढांचा ढाह था और ग्वालियर के केदार जैन वो फोटोग्राफर रहे जिन्होंने 6 दिसंबर की उस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद किया। सीबीआई ने उन्हें ये जो प्रकरण अदालत में चल रहा है उसमें मुख्य गवाह भी बनाया और उनकी गवाही इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी भी साबित हुई। तो केदार जैन साहब और उनकी छाया चित्र की ये छवियां दोनों आपके लिए हम लेकर। 6 दिसंबर 1992, वो तारीख जो अब दस्तावेजों में कैद है, और ये तस्वीरें उन दस्तावेजों का अहम हिस्सा है। हमारे लिए जो दस्तावेज है वो ग्वालियर के फोटोग्राफर केदार जैन के लिए एक हकीकत है। अब जबकि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, केदार जैन को 32 साल पुराना वो मंजर याद आने लगा है। जब ढांचा गिराए जाने से लेकर रामलला का अस्थायी चबूतरा बनने तक की घटना को उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया था। हम उस गतिविधि पर पूरी नजर रखे हुए थे और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में कैसे भी करके हम जहाँ पर ये विध्वंस हुआ हम उस स्थान पर बड़े चुपके से अपना फोटो सेशन और जो कवरेज था उसको हम करते रहे। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिराए जाने का जब भी जिक्र होता है ये तस्वीरें जरूर जहन में घूम जाती हैं। फोटोग्राफर के तौर पर अयोध्या में केदार जैन ने बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी, विजय राजे सिंधिया, विनय कटियार, जयभान सिंह पवैया और उमा भारती की तस्वीरें क्लिक की। इन्हीं तस्वीरों के चलते सीबीआई ने केदार जैन को मुख्य गवाह बनाया और कोर्ट में उन्होंने बड़े नेताओं के बारे में बेबाकी से अपनी गवाही दी। उनकी गवाही पर ही तमाम बड़े नेता बरी हुए। हमको उन्होंने लिखा था कि ये फोटो आपके सभी आपके होते हुए भी ये देश की संपत्ति है, जब भी इन साक्ष्यों की आवश्यकता कोर्ट में होगी तब आपको ये सभी चित्र सबूत के तौर पर वहाँ पर दिखाना होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उन फोटोज के आधार पर ही सारे केस की सुनवाई की। मैं अपने आप को राम मंदिर देखता हुआ अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। आज जबकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, केदार भावुक है और कहते हैं पहले रामलला को कैद में देखा, अब भव्य मंदिर में दर्शन की अभिलाषा है। अब आज रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बन चुका है और इसका जो शुभारंभ है वो 22 जनवरी को हो रहा है, तो जो हम देखेंगे उसको अपने सामने ये एक हमारे लिए बड़ी अलौकिक घटना है। केदार जैन जैसे अनेक शख्स हैं जिनके लिए अयोध्या मात्र कोई घटना नहीं बल्कि वो कहानी है जिसे उन्होंने एक पात्र के तौर पर खुद जिया है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।